Hey guys, welcome to my channel. My name is Paramita and you are watching Paramita's Delight. I know आप लोगों सोच रहे होंगे कि मैं दो तीन दिन से कहाँ गायब हो गई हूँ, मैं वीडियोस क्यों नहीं पोस्ट कर रही हूँ. द थिंग इज, ऐसा होता है जब आप अपने घर पे आते हो, आप अपने कुछ कुछ मतलब जो पुराने डेस्टिनेशंस होते हैं वहाँ जाते हो, घूमने जाते हो मम्मी पापा के साथ पे, थोड़ा सा बिजी हो जाते हैं तो नहीं हो पाता है. बिकॉज जब अपने घर पर रहती हो तो उसका डेली रूटीन रहता है, फिक्स रहता है, पता है क्या करना है क्या नहीं करना है. बट यहाँ पे सब कुछ अलग सा ही होता है, तो इस वजह से मैं व्लॉग्स नहीं बना पा रही थी. बट आज फाइनली मुझे मौका मिला तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग बनाते हैं. एंड आज घर का कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, सब बाहर बाहर ही है. आज मैं मेरे प्लान्स हैं, मतलब मैं अभी बज रहे हैं 11:30, तो अभी थोड़ी देर में मैं अपने मम्मी के साथ में निकलूँगी शॉपिंग. और उसके बाद मेरा प्लान है रात को मैं जाऊँगी अपने बहन के साथ डिनर पे. सो द मेन थिंग जो मुझे सबसे पहले बोल देना चाहिए था वो मैं अब आपको बोल देती हूँ. जिन लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मुझे जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर ले, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है वो प्लीज़ मेरे वीडियोस को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. वाराणसी में गर्मी बहुत ज़्यादा है. एक्चुअली बारिश तो यहाँ पे हो रही है, जब से मैं आई हूँ तब से थोड़ी थोड़ी बारिश तो होती है, बट स्टिल बारिश होने के बाद में ना ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है. कल यहाँ पे बहुत बारिश हुई, मेरे घर के पास यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा बारिश हुई है. तो आज वेदर थोड़ा सा ठीक लग रहा है, थोड़ा सा सही है, और अभी बारिश नहीं हो रही है. तो मैंने और मम्मा ने अचानक से सोचा कि हम कहीं पे बाहर घूम के आते हैं. हम तैयार हो चुके हैं जाने के लिए. सो गाइस, हम आ चुके हैं हमारे शॉपिंग डेस्टिनेशन एंड द प्लेस नेम इज गदौलिया. आप देख ही सकते हैं यहाँ पे कितना सारा रश है. So, इस तरह का कुछ नज़ारा है गदौलिया पे, जैसे कि आप देख सकते हैं साइड साइड्स में इन्होंने रोड के साइड्स में शॉप्स लगा रखी हैं, डिफरेंट शॉप्स हैं. दिस वन इज़ माय फेवरेट इडली शॉप जो कि विश्वनाथ गली के अंदर है, द इडली सांबर. सो फ्रेंड्स, मैं अभी अभी घर आ गई हूँ और हम गए थे शॉपिंग करने के लिए, बट हमें कुछ भी नहीं मिला जो हमें ख़रीदना था. मतलब इतना बैड लक था, और इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा धूप थी कि आप देख ही रहे होंगे मेरा क्या हाल हो गया है. बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ही कड़ी धूप थी. सो फ्रेंड्स, लंच करके हमारा हो गया है, अभी हम घूम के आए, उसके बाद में हमने लंच किया बिकॉज दो बज चुके थे. और अब मैं थोड़ा सा सोऊंगी एंड उसके बाद शाम को मेरा और मेरी बहन का प्लान है, हम जाने वाले हैं एक लाउंज. तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि वाराणसी में कौन सा लाउंज हम जा रहे हैं और वो कैसे क्या है. चुका है जब मुझे निकलना है और मुझे जाना है अपने बहन के साथ घूमने. यस, मेरी बहन ने मुझे बताया कि वाराणसी में एक लाउंज खुला है, और आई वॉज लाइक वाराणसी में लाउंज, तो शी सेड हाँ ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, बहुत अच्छा सा एंड ऑल. तो वी वुड डिसाइडेड कि हम वहाँ पर जाएंगे. तो आज वापस से थोड़ा जल्दी आ गई है एंड हम जा रहे हैं लाउंज, तो चलिए दिखाती हूँ. सो मैं अपने बहन के साथ निकल चुकी हूँ और शाम को बहुत ठंडी ठंडी अच्छी सी हवा चल रही है. फाइनली वी हैव रीच्ड द लाउंज एंड द एम्बियंस इज सो गुड. It's a wow thing. Really nice. The coolest thing in this lounge is this
पोस्ट बॉक्स जो मुझे बहुत अच्छा लगा. उन्होंने हमें बिल इसमें ला के दिया एंड देन वी हैव टू पे. इट वॉज सो नाइस. सो फ्रेंड्स, वी हैड अ लॉट ऑफ फन टुगेदर देयर. बहुत मज़ा आया हमें लाउंज में. इट वॉज सो ग्रेट. और मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वाराणसी में भी इतना अच्छा लाउंज है. इट वॉज सो नाइस, सो कूल प्लेस. क्राउड के बारे में मैं जैसे बोलूँगी, हम वीकडेज पे गए थे तो मे भी इतना क्राउड नहीं था, बट मेरी बहन ने बोला कि वीकेंड पे काफ़ी क्राउड होता है. सो इट्स अ वेरी ग्रेट प्लेस और अ मस्ट विजिट आई से. मीन्स अगर आप वाराणसी में हैं तो आप ज़रूर जाइए. अगर आपको लाउंज और क्लब्स में जाना पसंद है तो इट्स वेरी गुड. सो इसके साथ ही मैं आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करती हूँ. तब तक के लिए बाय.